एनएसयूआई बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री चुन्नू सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाला गया। किशनगंज मड़वारी कॉलेजों में 5 विषय जो करीब 20 साल से चल रहा था बिना कोई अधिकारी सूचना देते हुए बंद कर दिया गया। 7 और अन्याय के खिलाफ किशनगंज के सुभाषपल्ली से चोरी पट्टी तक पदयात्रा निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल रहे किशनगंज के एनएसयूआई के अध्यक्ष बिट्टू बाबा, प्रदेश सचिव अमन रेजा, पूर्व जिला अध्यक्ष विक्की ठाकुर, सोशल मीडिया प्रभारी आफताब राही, उपनगर अध्यक्ष नदीम शहजादा, कांग्रेस कमेटी के तौसीफ अंजार, साजिदा खातून, शंभु यादव और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीएनपी न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। देखिए, संपूर्ण बिहार में बिहार एनएसयूआई की तरफ से जो है पदयात्रा का प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग जो ये पदयात्रा गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, जो आज शिक्षा को लेकर जो व्यापार चल रहा है, हम लोग इसके खिलाफ पदयात्रा संपूर्ण बिहार में कर रहे हैं। ये 7वां चरण जो आज किशनगंज पहुँचा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चुन्नू सिंह जी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, पूरे बिहार के लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर। शिक्षा जो है चरम सीमा पर है, शिक्षा में जो मनमानी है आज आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में, बिहार के विश्वविद्यालयों में बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपति जो भ्रष्ट हैं और सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। हम इस चीज़ के लिए, इसके खिलाफ जो है, आपने देखा भी होगा पूर्व में हमने एक मांग की थी मारवाड़ी कॉलेज के संगठन में, जो 5 विषयों का जो मान्यता रद्द किया गया है। हम आए दिन इस चीज़ को लेकर भी जो है मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से। बिहार सरकार की दोहरी नीति, एक गंदी नीति, सौतेला व्यवहार के साथ जो है आज किशनगंज और सीमांचल के इलाकों के साथ जो है छात्र छात्राओं के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। मनमानी है विश्वविद्यालय की, मनमानी है बिहार सरकार की। जो हमारे मारवाड़ी कॉलेज में जब 5 विषय जो पिछले 20 साल से चल रहा था, इनको जो है अचानक से बिना किसी आधिकारिक घोषणा के जो है बंद कर दिया गया है, इसकी खबर हमने बिहार सरकार को दी है। इस चीज़ को लेकर भी हमने आज जो है जिले में पदयात्रा किया है और बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो है ये शिक्षा में जो आपने मनमानी की है और ये जो सब्जेक्ट को जो रद्द किया है, इस चीज़ को लेकर जो है समाधान निकाले, वरना एनएसवाई, किशनगंज एनएसवाई और बिहार एनएसवाई जो है चरमबंद आंदोलन के लिए बाधित है। कब तक ये मांग जारी रहेगा? देखिए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी। बिहार एनएसवाई की जारी रहेगी, किशनगंज एनएसवाई लगातार प्रदर्शन करते रैली निकालेंगे। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट्स विंग है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी के आह्वान पर पूरे देश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। उसी चरण में हमारे बिहार में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत 2014 से आने के बाद जिस तरीके से चीज़ों को बेचना शुरू की है और हर एक चीज़ को वो बेच रही है, चाहे वो हर जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो या सड़कें हो, हर एक चीज़ों को बेच रही है। उसके अलावा वो एजुकेशन को भी नहीं छोड़ रही। एजुकेशन में भी उसने अपने मनमाने तरीके से अपने अपने लोगों को अपॉइंटमेंट किया। जितने भी स्टेट के चांसलर हैं उन्होंने अपने खास लोगों को यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना के बैठाया और वहाँ से ज़्यादा पैसे की उगाही की जा रही है। करप्शन इतना बढ़ गया है, बच्चे का रिजल्ट नहीं हो रहा है, पढ़ाई बेहतर नहीं है, एजुकेशन का माहौल सही नहीं है। हर आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहती है, कहीं से सिलेबस गायब कर दिया जाता है, कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा है, कहीं पे 3 साल की जगह 6 साल में ग्रेजुएशन कराया जा रहा है। और सिर्फ पूरे यहाँ किशनगंज का मामला नहीं, पूरे बिहार का मामला है। बिहार में चुनिंदा 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें रेगुलर सेशन जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसमें आपका जो भी एजुकेशन का मामला है वो टाइमली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ भी तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, हम जैसे लोग पढ़ते हैं, तो उनकी जो परेशानी है कि वो 2013 में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनका 16 सेशन होना चाहिए तो उनका कंप्लीट होता है 2019 में, 19 में भी नहीं हो पा रहा है। जेपी विश्वविद्यालय जाएंगे, जेपी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मेरे दोस्त जो 2013 में एडमिशन लेते वो फर्स्ट ईयर में, तो 2016 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे। तो इस तरीके का यूनिवर्सिटी का, मगध यूनिवर्सिटी का देख लीजिए वाइस चांसलर ने कितना पैसा उगाही किया और ये पूरा खेल यूपी से बैठ के मंत्री के जो अपने करीबी लोग हैं वो कर रहे हैं, भाजपा के लोग शामिल हैं और नीतीश कुमार इसमें भी चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे देश को खोखला कर रही है, एजुकेशन को बर्बाद कर रही है। इसलिए ये आंदोलन हम लोगों ने पटना से, बिहार की पटना से शुरू किया था और आज किशनगंज आएँ और आगे भी इसको लगातार हम लोग जारी रखेंगे और हुकूमत से हम यही मांग करते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
उसमें अच्छी पढ़ाई के माहौल को मतलब पढ़ाई की व्यवस्था करें और जितने भी करप्शन है उनको रोके और स्टूडेंट की जितने भी डिमांड है उनको फुलफिल करें। अपना परिचय अली रजा हाशमी स्टेट जनरल सेक्रेटरी।